यू बंबई गया शूटिंग कर रहा आजकल बता रहा है आज तक की ये कई टेलीविजन में आता रहे जहाँ की जगह नहीं मिलती वहीं बैठ जाए सिर देख के तो बंबई जा रहा है। अरे मगा अपन पिलखवे का रहने वाला है पड़ोस का ही मगा बामण का लोंडा नहीं मारो था एक धूमण बामण का लोंडा उसके मैंने से मौका दी थी एक दिन तो तो उसने चून की बोरी मेरी सारा चून की बोरी तो वहां यो चला गया बंबई जाके मेरे से कहना विनीत तने बंबई के फैशन देखे मगा फैशन क्या हो रहे यहाँ कहना यहाँ लिख रहे हैं टैटू। अब टैटू मैं नहीं समझा मगा ये क्या फफूंद है आजकल एक नए लड़के करने लगे टैटू का डंड के यहाँ देखा कभी कुछ बना ले कभी कुछ बना ले तो मैंने कह रहा है छोड़े बेकार की बात है टैटू बंबई आ रहा मैं हाफ बनियान पहन रहा नेकर पहन रहा टैटू जरूर बनवाऊंगा मगा टैटू मत बना रहे इसमें दर्द घना हो घना कमाल कर रहा मैं भी आपुड़ का पिलखवे का दर्द तो नहीं घबराता सर मैं सही बता रहा संजय वही हुआ जिसका सुसरे का डर था मैं गेटवे ऑफ इंडिया पे बैठा दिया जो इसने बनवा लिया वो टैटू मैं आधा घंटे में घूम घाम के तो बैठा रोने लग गया केड़ा केड़ा मगर भाई कुमार मैंने तले पहले के आया था दर्द हो इसमें कहना अगली बात समझ में आ जा तो ताली पीछे होनी चाहे बामण निपटाना मुझे मगर मैंने पहले ही कहा था देख इसमें दर्द घना हो कहना भाई दर्द से नहीं रो रहा सुसरे ने स्पेलिंग गलत कर दी ताड़ी आई नहीं अगले में होगी संदीप देख ऐसा अगले में ताड़ी मैं बताऊंगा अब अगली बात पे एक एक श्रोता के हाथ खड़े हो जाने चाहिए इससे बढ़िया गजल का शेर मैंने कहा नहीं जिंदगी में गजब कर रहे हो मैं कहने लगा मैं कहा भाई के लिखाना चाहता कहला विनीत करीना लिखाना चाहूंगा सुसरे ने कमीना लिख दिया एक बार ऊपर से हाथ करके कराओ ताड़ी वाली भाई वाह भाई वाह मैं समझू काम हो लिया थी क्या इसका झोली ले ले चौधरी अब तू झोली ले चले कोई बात नहीं इसकी नहीं ऐसे बात है इसकी पार्टी बड़ी है अब ये नहीं पता पार्टी से निपटा रही क्यों पार्टी को निपटा रहा मैं सही बता रहा ले दे भौंकल भी और काटूंगे इसके इसका जो नेता था ना केजरीवाल उसने बड़ा नियम चला इसकी सलाह बहुत मानना था वो भाई एक ही नहीं माननी इसकी भौं काट दी उसने इसने काट दी उसकी और हालत ये है नहीं होली कट रहा ना वो काट रहा इसे बीच में लटक रहे दोनों नूनी पता रहा कौन सा किसकी भौं काट रहा तो उसने आपको याद हो एक नियम चलाया था आपको याद हो ऑड नंबर इवन नंबर एक दिन सम संख्या एक दिन विषम संख्या हालत खराब हुई डीटीसी रोडवेज में मैं पा धरण को जगह नहीं और यू खड़ा राजघाट पे साहब बकरी लेके तुम्हें ये नहीं पता गांधी जी के बाद दूसरा चिल्ला यू है यू भैंस का दूध नहीं पीता जाट थोड़ी हो बकरी का दूध पी वह पंडित है तो बकरी लेके खड़ा राजघाट पे और हर डीटीसी बस को हाथ देने लग रहा हाँ। रोको बस कंडक्टर ने बस रोक दी कहला बकरी चलेगी कहला तेरा दिमाग खराब है मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा कर रखी यहाँ भीड़ में जगह नहीं पांच हरण की इस बार बकरी चलेंगी लेकिन साहब इसने दो तीन बस रोकी हर बार कंडक्टर से टाल दे कहने लगा बकरी नहीं चल सकती इसमें जिनावर नहीं चलने के अगला हार नहीं माना कमाल आदमी है तीन चल्ले तैयार करे इसने ऐसे थोड़ी करे तैयार चल्ले बता रहे मैं इसका शिष्य को ना यो मेरा शिष्य होगा तो ये कहने लगा हार नहीं माननी इसने तुरंत गया जामा मस्जिद के पास काले रंग का बुरका ले आया और बकरी को उड़ाया बस रोक की कहना रोको ताई की तबीयत खराब है चलेगी कंडक्टर को दया आ गई कहना दादी की तबीयत खराब है कहना हाँ मेरे कहना भाई फिर तो मेरी सीट पे बैठा दे कोई अंका चौधरी होगा सीधा साधा सा जाट हो भी सीधे ही है खैर बहुत गड़े तो उसने उस अपनी सीट बता दिया और बगल में यू बैठ गया अब बकरी तो बकरी जामा मस्जिद तक लाल किले लो चली होगी अब इशारे में कहना समझना तुम्हें है बकरी थोड़ी दूर और बस चली होगी बकरी ने अपना राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करा अब कंडक्टर की आंख खुली कहना सुसरे धोखा हो गया तो अगली बात जो कंडक्टर ने कही बस मैं ताली बजा दे फिर मैं कविता शुरू करूंगा यू राडा तो पूरी रात रहेगा नहीं तो कंडक्टर ने कहा धोखा हो गया तो मामला गड़बड़ है बुरका बुरका कुछ नहीं है जैसे उसने देखा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ कहना पंडित उरा तेरी दादी की रुद्राक्ष की माला टूट रही ना बीनना शुरू कर ताली ढंग से बजा दे मैं कविता शुरू करूं बहुत अच्छे चौधरी शुक्रिया आप लगे होगा या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे वरना इस जमाने में आके मुस्कुराता कौन है।
गीत की दुनिया का, शब्द की दुनिया का एक बड़ा जादूगर यहां बैठा है। ये सब हास प्रयास में इसलिए कर लेता हूं, मेरे बचपन के केवल 3 दोस्त मेरे पास हैं। एक प्रवीण शुक्ल उधर मंच का संचालन कर रहा है, दूसरा भाई हमारा कुमार विश्वास जो इस मंच का संचालन कर रहा है। हम 3 दोस्त चले थे आज से 29 साल पहले, 29 साल बाद भी यदि तीनों दोस्त बड़ौत में हैं तो मान लीजिएगा हमारी दोस्ती अभी जिंदा है। गीत का एक बड़ा सारथी यहां बैठा है, शब्द शिल्प का बड़ा। आप मेरे बाद जब कुमार को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पूरी कायनात को यदि जेब में समेटने की ताकत जिस कवि में है वो मेरा छोटा भाई कुमार विश्वास यहां बैठा है। हास प्रयास दोस्तों के बीच में चलता रहता है। एक कविता विशेष मैं कह देता हूं, एक लंबे अंतराल के बाद आया हूं, जैसा कुमार ने मुझे कहा है मैं वो भी अपनी पूर्ति करता हूं। एक वीडियो वायरल हुआ है, मैंने अभी शब्द कहा, यहां वो सड़कें नहीं है कि सुबह आपको छोटे कुत्ते लेकर के महिलाएं घूमती मिले, यहां गन्ने की खेती को अपने बलबूते पर पैदा करने वाली माएं सुबह झोटा बुग्गी लेकर के निकल जाती हैं। ये वो जमीन है, इसे सर्वाधिक बेटे दिए हैं। हमारे ज्यादातर किसानों के बेटे आज भी या तो दिल्ली पुलिस में हैं या सेना में हमारे जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक दुख के साथ एक सूचना दे रहा हूं, मैं 4 दिन अभी करगिल में था, कुमार ने बताया GTV पर एक बड़ा कार्यक्रम था, उसी टाइगर हिल के नीचे मेरी शूटिंग चल रही थी जहां पर हमारे 573 बेटों ने अपना शौनित बहा दिया था। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ सर, मुझे बोलते हुए दुख है, आपको सुनकर भी दुख होगा, पता नहीं कितने लोगों ने अपने मोबाइल पे देखा है। हमारे कुछ बच्चे वहां पर सैनिक अपने बैरकों से वापस लौट रहे हैं। मैं 3 कैमरों के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, झूठ बोलूं तो अपना हाथ खड़ा करना कि तुम झूठ बोल रहे हो। वहां उन सैनिकों के कंधों पर राइफलें टंगी हुई हैं और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पर तमाचे मार रहे हैं, उनके हेलमेट उनके पैरों में ठोकरें खा रहे हैं और वो सैनिक कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने सीन अपने कैमरेज पर अपने वीडियोस पर देखा मुझे बताएं। शुक्रिया, बस मैं यही जानना चाहता था। हमें तो उम्मीद थी कि दिल्ली में हमने बहुत बड़ा टाइगर बैठा दिया है। कुमार जानता है मैंने 13 बार कुमार ने और मैंने मोदी जी के साथ कविताएं पढ़ी हैं। हम दोनों शायद इस मंच के इकलौते कवि हैं जिन्होंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी लाल किले से कविताएं पढ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनके चरण चुम्बन की भाषाएं पढ़ना शुरू कर दें। हमें उम्मीद थी कि वो टाइगर बैठेगा तो कश्मीर में बेटों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब ये बात हुई तो हमारी मुठ्ठियां खून से सनी हुई भिज रही थी। हरिओम पवार जी परली तरफ कविता पढ़ रहे हैं, मैं 2 लाइन कोट कर रहा हूं, आपकी तालियां उन्हें एक बार खलल डाल दे कि मैं उन्हें याद कर रहा हूं, उनका छोटा भाई उन्हें याद कर रहा है। कैसा लगा होगा जब उनके गालों पर तमाचे लग रहे थे, पवार जी 2 लाइन लिखते हैं, 2 लाइन में पांडाल जरा तालियां बजा दे मैं कविता शुरू कर दूंगा। किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, क्या बात है, चाहन कविता शुरू करा तो फिर कविता की तरह सुनिएगा। कैसा लगा हमारे बेटों के गालों पर तमाचे लगे, हाथों में चिंगारियां उठे तो उठने दीजिएगा। किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में। मुझे ज्यादा तालियों की उम्मीद थी सर, बहुत अच्छे विनीत, क्या बात कि है। पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से। अब मैं शुरू होता हूं, मुझे लगना चाहिए मैं उसी बड़ौत में हूं जिस मिट्टी ने मुझे तैयार किया है। कि पूरी घाटी तो दहल चुकी है आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी है पाकिस्तानी नारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते हैं और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते हैं। यदि संग दे तो फिर 100% लोग मेरे साथ हो। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आस्तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी, एक भी हाथ खाली न रहे मुझे निराशा होगी, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो। शुक्रिया, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। हमने सुना कि क्या हो रहा है, ये तो सैनिकों के धैर्य की परीक्षा है। माफ करें साहब, अपने बेटों से पूछना कैसी परीक्षा है। ये 70 सालों में जो कायरता के बीज राजनीति ने कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में खाने पड़ रहे हैं। मैं पहली स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है सर, ये आने वाले तूफान की सूचना भी हो सकती है। मैं धीरे से पढ़ूंगा इस लाइन को, जो समझदार लोग मुझे बताना कविता में समझ चुके हो। इतना खून नहीं छिड़को, मैं मंच का ध्यान भी चाहता हूं, संदीप कविता सुनो, इतना खून नहीं छिड़को, मुझे समझकर बता देना, मैं बोल के बता रहा हूं, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फाग और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी और पड़ोसी, आपकी तालियां कमजोर हो जाएंगी, मैं कविता छोटी कर दूंगा। और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, अजीब देश है ये, हमारे पुलिस का एक जवान बढ़ता है बंदूक लेकर के हमारे मंच से, हमारे इन बेटियों के, हमारे किसानों के, जवानों के बेटे यहां बैठे हैं, हम पुलिस पर हास्य व्यंग की कविताएं सुनाते हैं। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं,
ये पुलिस हमने पाकिस्तान से नहीं बुलाई है सर, ये हमारे और तुम्हारे घरों के किसानों के बेटे बेटियां हैं जिन्हें हमने या तो यहाँ सुरक्षा में खड़ा कर दिया है या हमने उन्हें सीमाओं पर तैनात कर दिया है। इनके समर्थन में भी आपकी तालियां होनी चाहिए। क्यों हो रहे हमले? हमारा पुलिस का, सेना का एक जवान ये अपने बेटों से पूछ रहा है वो किस मजबूरी में जी रहे हैं। वो बंदूक लेकर के जैसे ही आतंकवादी की तरफ जाता है, जींस के ऊपर कुर्ते डाल के लोग मोमबत्ती लेके आ जाते हैं, इन्हें मत मारो, ये आतंकवादी नहीं है, ये फूफा जी है, नाश्ता कर रहे हैं पाकिस्तान से। ये हिंदुस्तान के मानव अधिकार के कार्यकर्ता सर, किस दिन राष्ट्र प्रेमियों में राष्ट्रद्रोही में अंतर करना सीखेंगे? 14 IPS ऑफिसर हमने जेल के सीकचों में सड़ा दिए, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी ने ढंग से सुनी ना हो तो। मैं 14 कांस्टेबल नहीं बोल रहा सर, मैं 14 IPS ऑफिसर बोल रहा हूं, इस समय जेल में पड़े, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। मैंने पूछा क्यों? कह रहे इन्होंने कुछ आतंकवादियों को गोली मार दी थी। मैंने कहा हलवा खिलाते जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल आपके इस बेटे के हिस्से में आता है, कुमार जानता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है, या तो अगली लाइन पर 100% तालियां हो या हूटिंग कर देना कि आपसे यह कविता हम सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा हलवा खिलाते जिनके कंधों के स्टार बढ़ने चाहिए थे उन्हें हमने जेलों में सड़ा दिया, और जिन पर 65 रुपए की गोली खर्च करनी थी उन्हें बिरयानी मुर्गे परोस दिए इस मुल्क के अंदर। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाल किया क्या हमने सर? हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली में खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर, एक इलाज है आपके पास, में गोली की तरह पढ़ रहा हूं, आप गोली की तरह उत्तर दीजिएगा। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी चाहे इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, किया क्या है सर हमने? 70 सालों में हमने बिरयानी और मुर्गे परोस दिए। अगली लाइन बोल रहा हूं, मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। 350 लोग साइन करते हैं रात्रि के समय, आप प्रेस के लोग बैठे हो तो मेरी बात को नोट करें, 350 लोग बुद्धिजीवी साइन करते हैं, और हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहली बार आजादी के बाद रात को 2:30 बजे खोला गया। आपने कभी सुना? आप फहरिस्त लेकर जाइए, आपके मुकदमे 3-3 साल तक सुनवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा रात्रि के 2:30 बजे खोल दिया। 350 लोग साइन करने वाले आपकी तरह हमारी तरह छोटे लोग नहीं थे, जमीन पर बैठने वाले लोग नहीं थे, वो बड़े कवि थे, बड़े साहित्यकार थे, बड़े टेलीविजन के एंकर थे, बड़े नेता थे, बड़े डॉक्टर, बड़े वकील। मैंने पूछा क्यों आपने खुलवाया दरवाजा? कहने लगे इस याकूब मेमन आतंकवादी को फांसी मत लटकाओ, इसके बच्चे छोटे। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, अगली लाइन यदि आपको तीर की तरह चुभे तो अपने बेटों के समर्थन में जो तालियां पहुंचे तो करगिल तक पहुंचे जो बंदूक लेकर के खड़े हैं। इस आतंकवादी याकूब मेमन को फांसी मत लटका, उसके बच्चे छोटे हैं। मैं निकम्मों से पूछना चाहता हूं, क्या कर्नल राय की 9 साल की बेटी छोटी नहीं है जो अपने पिता की चिता को सैल्यूट करके आग दे रही है? किसके समर्थन में खड़े हो जाते हो? आतंकवादियों के बच्चे बच्चे हैं, सेना और पुलिस के बच्चे बच्चे नहीं है। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी, 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएंगे जो मेरे इस कानून से सहमत हो, नहीं सहमत तो आप खामोश रहिएगा। मैं 14 दिन के लिए इंग्लैंड गया था भारत सरकार की तरफ से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस समय हिंदुस्तान के विद्युत मंत्रालय का मैं हिंदी सलाहकार के पद पर नियुक्त हूं। तो मेरे मंत्री ने कहा कि यहां क्या कविता सुनाते हो, कभी बाहर जाओ, विदेश जाओ, वहां भी कुछ लोग भारत के रहते हैं। मैं 14 शहरों में गया यूके के, मैंने हर जगह एक ही बात बोली, बेलफास्ट में, स्कॉटलैंड में, नॉटिंगम में, पूरी दुनिया में इस कानून को गाने वाला विनीत चौहान अकेला भी बचा तो इस कानून को मैं अकेला गाऊंगा। लेकिन ये बड़ौद के, ये बावली के, ये क्रिटल रमाला के जितने प्यारे दोस्त, ये मेरे चचा बैठे होंगे, मेरे भाई बैठे हुए जो मेरे साथ पढ़े कभी बचपन में गुरुकुल में, यदि इस लाइन पर आपकी तालियां उठ गई, मैं दावा करता हूं 1 साल के अंदर आतंकवाद दम तोड़ सकता है। मैं अंतिम लाइन पढ़ के आपसे विदा हो रहा हूं, उसके बाद कुमार कविता पढ़ेगा कि उठो नया कानून
कानून मांग लो। मैं मंच का विधान चाहता हूँ और एक एक श्रोता की मुझे हाथ खड़े करके तालियां बजा दीजिए, आपका बेटा ऐसी लाइन और लिख सके कि उठो नया कानून मांग लो। संसद की दीवारों से हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टाके वीर शहीदों की माए, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया शुक्रिया। एक मेरा छोटा सा निवेदन ये है कि मैं तब से सोच रहा था और जब से विनीत पढ़ रहा था तब से मुझे लग रहा था 28 साल पहले 27 साल पहले उर्मिलेश जी ने जो संचालन किया था उसमें मैं विनीत साथ थे। कैसा समय आ गया है कि मैं जब मंच पर था तो संतोषानंद जी उस मंच पर थे। लाला की धर्मशाला है यहाँ पर, लाला की धर्मशाला में रुकने की व्यवस्था थी, जैन धर्मशाला थी, मुसंदीलाल जी की धर्मशाला में नीचे गद्दे बिछे हुए थे और हम वहाँ आए थे दोनों। ये आया था अलवर से और मैं पिलखवे से आया था बस पकड़ के, पहले हापुड़ कचहरी चुंगी फिर मेरठ। सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओ को, लो मैं 20 लाख देता हूँ तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजे लड़ने अपने, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। लेकिन बेटे तो किसानों के मरे हैं सर। हाँ हाँ क्या बात है। आइएगा मैं उस कवि को बुलाता हूँ जिसने किसानों का दर्द भी गाया, जिसने नई बेटों का दर्द भी गाया। आज की रात जो भी एक और सुना दे भाई, अब मन से जुड़ा है मेरा भी मन है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मेरे बाबा बताया करते हैं खड़बिनोड़ लेना करते हैं जैनियों को गीना बेच दिए, ये पूरा काट के धरते हैं खड़बिनोड़ के चक्कर में, तीन भैंस का घी जैनियों की गया हमारा पूरा गांव में। तो यो जो संजय जैनी है आज यू पूरा खड़बिनोड़ा काट के धरेगा मेरे में से, थोड़ा थोड़े दावा करते गला बाहर आ लिया मारा चलेगा। एक कविता मैं कह देता हूँ आप सबके मोहब्बतों के बीच में, इससे अच्छी कोई कविता मेरे पास नहीं है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मैं जब राजस्थान में गया जैसा भाई ने बताया एक कॉलेज में, अब मैं वहाँ प्रिंसिपल हो गया केमिस्ट्री का लेक्चरर होने के नाते, वहाँ एक स्टूडेंट था मेरा जो करगिल के युद्ध में गया। हाँ हाँ आप सब लोग कहेंगे इसमें क्या नई बात है, हमारे बेटे भी तो युद्ध में गए हैं सर। नई बात वो है जो आपसे बांट रहा हूँ सर। 19 साल का वो बेटा था, 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिनों करगिल की चोटी पे चला गया। वहां जाके उसने एक चिट्ठी लिखी उस पत्नी के नाम, उस महबूबा के नाम, जिससे उसने 19 दिन पहले फेरे लिए। अच्छी कविता सर। ये बात अलग है संजय भाई, वो चिट्ठी इतना लेट गाँव में आई कि उससे पहले तिरंगे में लिपट उसका शव गाँव में आ गया। मैंने रोते रोते उसकी चिट्ठी को खोला और रोते रोते मैंने बांचा, एक शेर लिखा था सर उसने। आज की रात कितनी बड़ी कविताएं हैं मुझे नहीं पता, कुमार कितनी अच्छी कविताएं सुनेगा मुझे अभी मालूम नहीं है, लेकिन जो शेर उस लड़के ने लिखा उस चिट्ठी के अंदर, उस शेर को एक पलड़े में रखना, हमारी आज की रात की सारी कविताएं दूसरे पलड़े में रखना, आपको वो बच्चे का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आएगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, मैं कलेजा निकाल रहा हूं बड़ौत वालों अपना दिल का, पहली बार कविता के नाम पर कुछ है तो तालियां मांगती है आपकी। वो बेटा लिख रहा है अपनी महबूबा के नाम, यूं हर कोई हर लड़का लिखता, अगली बात लाजवाब हो जाए तो तालियां उठे। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। मैं अपने ताऊओं से अपने चाचाओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हो सकता है इन नए बच्चों से कुछ गलतियां हो जाएं, लेकिन उन्हें इसलिए माफ करते रहिएगा कि जिस दिन भी पर्वत की चोटियों को खून की जरूरत पड़ेगी आपको इन युवा बेटों की बहुत याद आएगी। मैं इनके समर्थन में एक छोटी कविता कह रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा का। बस कल्पना करें टाइगर हिल है, उस पर एक सैनिक लेटा है लहूलुहान है। मेरी बड़ी बहन ममता जी यहाँ बैठी है, उनके पति कर्नल जोधा वो खुद करगिल का युद्ध लड़े हैं। ये कविता मैं डॉक्टर साहब आपको सौंप रहा हूँ। वो एक सैनिक की पत्नी है और एक शौर्य बेटे की माँ भी है। ये कविता आज की रात मैं बड़ी बहन को सौंप रहा हूँ, आप सब भी सुनेगा। स्वागत है मेरे कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी, मैं इसके अच्छा सुना नहीं पाऊंगा, आप अच्छा सुन के बता दे मैं अच्छा बोल रहा हूँ। कि माँ तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलयकर दिख रहा हूँ, रक्त की होली रचाए मैं प्रलयकर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको, थोड़ा साथ दीजिएगा कविता थोड़ी बात, क्या बात है, क्या बात है, माँ उसी
भीषण से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ कि युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटाऊं। यहाँ प्रोफेसर वकील बैठे होंगे, यदि इसमें कविता जैसा कुछ है तो इस बेटे को मन देना। युद्ध था भीषण मगर मैं इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूँ, माँ तुम्हारी थी कसम मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक बोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आग के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं किस तरह शादा हुआ, पंक्ति लाया भी नहीं, एक लाइन में आपको लग जाए छोटी सी भीड़ में तो लाज रखना इसकी। कह रहे हैं शत्रु भी मैं किस तरह शादा हुआ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ। थोड़ा मन दीजिए मुझे तालियां कम लगेगी। जिंदाबाद, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो ये न समझो माँ की मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, ये तो हर कवि ने लिख दिया। सैनिक चिन्ह निद्रा में खो गया, मैंने एक लाइन में भारतीय संस्कृति गादी हो तो मेरा साथ दीजिएगा। ये न समझो माँ कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। दो पंक्ति पिता को लिखता है, सुनता हूँ वो पिता सौभाग्यशाली होते हमारे गांवों में, मेरे दादा बैठे होंगे, मेरे ताऊ बैठे होंगे, जिनकी अर्थियों को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने दादाओं ने कंधे दिए, मुखाग्निया दी जब उनके शव आए लौट कर तिरंगे में। कैसा लगा होगा आपने सोचा कभी उस पिता को जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्ति आंसू रोक के सुनना, दुर्गादान जी ने राजस्थानी में कही है, मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, बड़ौत वालों कविता बोल रहा है विनीत चौहान, जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। दो लाइन पिता को सौंपता है कि मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हो आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा, पर पिता वे भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भरना, तुम मुझे करना क्षमा, मुझे अच्छा लगा आपने कविता की लाज रखी, तुम मुझे करना क्षमा मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी यह सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी है सुख तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो लाइन भाई को लिखता है, मेरा छोटा भाई कुमार बैठा है, मेरा छोटा भाई प्रमोद इस भीड़ में कविता सुन रहा होगा, मैं ये लाइन उसे सौंपता हूँ। भाई का भी याद आता है, सुन अनुज आज भी कहते हैं वो सैनिक नहीं है, वो तो मेरी बाई भुजा की ताकत है जो बंदूक लेके पर्वत की चोटी पर खड़ी है। प्रमोद सुनना, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, भाई कभी याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई, ओ मेरी बाई भुजा, तालियां समेटना मैं अगली कलाइन क्यों कह रहा हूं, क्यों याद आया, ओ मेरी बाई भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, बचपन में खिलाया होता है, मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना, बड़ौत के लोग तालियां उठे तो इस पर उठे, पर अनुज विश्वास रखना मैं नहीं थककर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, हम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्हीं को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, कविता बारीक होती है आंसुओं की यात्रा चाहती है, एक भी आंसू छलके उसे छलकने देना। अब तुम्हीं को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। और अंतिम पंक्ति पत्नी से कहता है, मेरी मान्यता है रिश्ते की सारी डोर चिता की राख पर जल जाती होंगी, टूट जाती होंगी, लेकिन पत्नी की पीड़ाएं 7 जन्मों तक चली जाती है। यह मेरा अंधविश्वास भी हो सकता है संदीप, लेकिन इंडियन माइथोलॉजी में यह माना गया है कुमार, क्या बात है, कि हमारे यहाँ कहते हैं 7 जन्मों की यात्रा है, तो मैंने लिख दिया है इसको। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से मांगा है, 3 असंभव शर्तें रखी है उसने अपने पत्नी के सामने। मैं दावा करता हूं जितने लोग बैठे हैं, कोई भी पत्नी यदि विधवा हो जाए तो इन 3 शर्तों को निभा नहीं सकती, लेकिन वो सैनिक की पत्नी है तो उसने अधिकार से मांग लिया है। बस अंतिम लाइन कहता हूं, विदा होता हूं।
अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। तीन शर्तें सुनना, मैं ध्यान चाहता हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ। है कठिन देना मगर निठुर हृदय हो, मांगता हूँ कि तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सदाना। तुम अमर सौ, ध्यान देता हूँ आपका मैं, तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना। हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम नहीं वैधव्य की प्रतिमूर्तिया की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, जानता हूँ बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे। सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे, पूछते होंगे कि पापा हैं कहाँ, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। बच्चे जिद करते हैं सर, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं। और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहाँ कुलदीप के हित शौर्य किस्से कर रहा हूँ, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूँ। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूँ, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूँ। तुम अकेली हो नहीं, धैर्य को खोने न देना। भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्त पद की यात्रा से मैं अंतिम लाइन पढ़ रहा हूं, विदा हो रहा हूं। वो सैनिक भी विदा हो जाता है। अब मैं अनुवाद नहीं करूंगा इस कविता का, मेरे पिता ने इसी शहर के दिगंबर जैन कॉलेज से बीए किया, तो मैं क्या आपको सिखाऊंगा कविता, मेरे पिता ने आपसे कविताएं सीखी। बहुत अच्छा विनीत बाबा। अंतिम दो लाइन का मैं अनुवाद ना करूंगा, लेकिन समझ में आ जाए कविता क्या है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मेहर कुमार कहते हैं, यदि कविता की राजधानी कभी ढूंढी जाएगी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा। हम दोनों उस विरासत को लेकर चल रहे हैं। अंतिम लाइन सुनिएगा, मुझे विद्या कीजिएगा। सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो। जितनी भी तालियां उठे इन शहीदों के लिए उठे, हमारी छोटे जैसे कवियों के लिए ना उठे, उन शहीदों के लिए तालियां उठे, मैं विदा कीजिएगा। सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो, सप्त पद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगनी हो। सात जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो, सात जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। मांग का बहुत अच्छा, बहुत एक बार जोरदार तालियां बजाइए।